लेट पैकअप की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट घर आई। सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मैं सुबह यूनिवर्सिटी गई। आई हैड थ्री क्लासेस, तीन क्लासेस के बाद मुझे कैंसर हॉस्पिटल विजिट करना था, बच्चों को टॉयज़ देने थे और वो टॉयज़ मैंने खुद बनाए हैं, वो मेरा असाइनमेंट था एंड वी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू बच्चे छोटे छोटे जो कि कैंसर पेशेंट्स हैं। उसके बाद मैं निकल गई शूट के लिए। शूट के बाद आज शहर की बर्थडे है और मैं शूट से उसे सरप्राइज देने जाना चाह रही थी, लेकिन आज उसकी बर्थडे ख़त्म होने वाली है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे ना ऑफ़ मिल जाए, पर आई कुडंट गेट ऑफ। तो अब ये है कि मैं जल्दी पैकअप करवा के भाग रही हूँ और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और वो इतना गुस्सा कर रही है, इतना गुस्सा कर रही है। अली तो अभी तक नहीं आई। अली, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं जल्दी से जाऊँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे वो वाले बलून चाहिए जो कि वो हवा में उड़ते हैं। आई डोंट नो उन्हें क्या बोलते हैं। अभी ड्राइव कर रही हूँ एक्चुअली, और मुझे केक चाहिए और बुके चाहिए क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ पार्ट टाइम। तो मैं बलून्स और बुके ज़रूर लेके जाऊँगा और फिर उसे मैं डिनर पे लेके जाऊँगी। हाँ, नाराज़ ऐसे हुई भी है कि मैं नहीं पहुँची उसकी बर्थडे में। हमारे साथ एक और हमारी एक बहन है माही। माही की शादी हो गई है तो ज़रा ससुराल को हम लोग कहते हैं देखा करो, तो वो बेचारी अभी नहीं निकल सकती, लेकिन मुझे तो जाना है ना। अब मसला ये है कि मुझे वो बलून्स कहाँ से मिलेंगे। मुझे अभी बलून वाला मिला था, लेकिन ना मेरा ये मसला होता है मेरे पास कभी कैश नहीं होता, कभी भी कैश नहीं होता। अगर मुझे अच्छा केक जहाँ से लेते हैं वहाँ से मिल जाए। सर एक सेकंड से मुझे पहले जाना था। इसको ये लैम्प्स पसंद आए थे एक बार और हम रुक नहीं पाए थे तो मैंने वो लैम्प्स ले लिए, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ यार मुझे केक नहीं मिल रहा। मैं आ गई हूँ इसे पिक करने के लिए। एनी बन के आई हूँ, मैंने चेंज भी नहीं किया, सूटकेस मेरे पीछे पड़ा है। मैं यूनिवर्सिटी सेट पे पढ़ रही होती हूँ तो मेरा यूनिवर्सिटी का बैग भी होता है, तो मेरा यूनिवर्सिटी का बैग भी यहाँ रखा था। मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। शहर बहुत गुस्सा है। आपका सब बीप डालना पड़ेगा, अब लाइव जा रही है। लानत हमारी वजह से, मतलब अपनी बर्थडे वाले दिन भी मैं अपने दोस्तों की मिन्नतें कर रही हूँ कि आओ मुझसे मिल लो, मतलब ये मेरी है। आप है। मुझे देखे, मैं पूरा करेक्टर में आई हूँ भगा। चल अभी बहुत देर हो रही है। हाँ, चल अभी बहुत वो दिखाया मुझे रेड रोजेस। शहर को ऊपर भेजा मैंने और मैंने कहा शहर मास्क के बगैर जाना, तो क्योंकि हमारा हॉटपॉट 11 बजे बंद हो जाएगा एंड इट्स ऑलरेडी 8:30, 8:45। तो मैंने कहा मास्क के बगैर जाओ, जल्दी से ऑर्डर करो वरना फिर हॉटपॉट बंद हो जाएगा। तो मैं जब तक जल्दी से नीचे से सेटअप कर रही हूँ, बलून खुलवा के बुके लिया है। मुझे बुकेस अच्छे नहीं लग रहे यहाँ पे। मैं ये सारी चीज़ें लगा रही हूँ, आपने बस ऊपर आना है और ये बस ऊपर रख देना, बस जला के लाइएगा, ठीक है? जला के ला लो। बड़ी वाली कैंडल नहीं जलानी अपने, सिर्फ ये कैंडल जला। उस पार्ट के लिए। हाँ, उस पार्ट। फोन क्यों बुलाई है तुमने? मुझे पहले घर पे 4 घंटे वेट करा था, यहाँ बैठ के भी मैं वेट कर। देखो हॉटपॉट में आने में तो वैसे भी टाइम था। क्या सोना सिंगार करी ऐसी? मुझे बनाने दो। Why spinach? तुम्हें जो है ना मैं घर भेज दूँगी, ठीक है? थोड़ा सा ये भी डालो, अच्छा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा सॉसेज, ये मैंने डालने के लिए मंगवाया। मेरे हॉटपॉट में तुमने अगर टांग अड़ाई ना आज तो मैं ये गरम बाल्टी तुम्हारे सर में ऊंडी। 2 घंटे 1 घंटे 1 घंटे से जो मेरी हो रही है। सुनो, तुम्हें जेब नहीं देता अभी? अभी बिल्कुल जेब नहीं देता, बिल्कुल शेर को जो है ना तुम वो ना करो। तुमने आज मेरे साथ किया ना, मतलब मेरी बर्थडे और मैं ही अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोल रही हूँ आप मुझसे मिल लो, मेरे लिए केक काट लो, मतलब बड़ा बेइज्जती का मुकाम है। दोस्त चेंज करने चाहिए, मतलब मैं पागल हूँ पूरी दुनिया को छोड़ के। मैं एली का वेट कर रही हूँ, एली आएंगी और एली मुझे बेवकूफ़ सुबह से बना रही है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए आज हाफ डे लिया, मैं आ रही हूँ। हमेशा की तरह जैसे मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है वैसे बना दिया मुझे। मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, बस आ जाऊँगी। जब मैंने बोला हाँ आ जाओ, फिर अच्छा वो मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30 बजे मेरा बैकअप हो जाए। अभी तो कॉल करके मुझे बोला क्यों था, चेक कर रही थी 6 बार सुन चुकी हूं। मैंने उसको बोला कि भाई अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं अपने बाकी दोस्तों से मिल लेती हूँ। कह रही है हाँ ठीक है तुम बाकी से मिलो, बहुत सीरियस होकर मुझे बोल रही है। मतलब मुझे एक बात बताओ,
अगर तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के साथ प्लान है तो तुम क्या होगी? मैं भी दोस्त हूँ, लेकिन अगर दूसरे फ्रेंड्स के साथ प्लान है तो? अगर यही बात तुम मुझे बोल दो कि सहर मेरा दूसरे दोस्तों के साथ प्लान है तो तुम्हारे साथ पता ना मैं क्या करती, छोटे छोटे पीसेस मतलब जितनी बेइज्जती आज मैंने कर दी है ना उस पे तो इंसान को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मतलब अगर उसके बाद भी जीने की इंसान हिम्मत रखता है तो फिर उसको ये कहते हैं। मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, सामने मैं चाहती हूँ हम वीडियोस बनाएं यहाँ पे बैठ। ठीक है मैं वहीं चली जाती, तशरीफ में बैठ गई तशरीफ दोनों भूख आए। अरे रुको ना इतनी प्यारी, 12 बजे बहस पर सामान लेके लाएंगे। वैसे दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुम्हें ना कत्ल कर दूं तुम्हारा, लेकिन चलो कोई मसला नहीं, अब दोस्ती की है तो निभानी तो है। मार भी तो नहीं कटा। ऐसे अगर जलील दोस्त हो ना किसी के तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है इंसान को। बढ़ते वाले दिन सुनो वो जूस आता है नहीं आपका जितना यकमो में तो अपना टेस्ट, मैंने बहुत सारे डाल दिए आपके ना। मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ? आप नहीं बनाया, आप जो मुझे पागल बना रही है ना जिंदगी में वो काफ़ी है, आपको हॉटपॉट बनाने की जरूरत है, आप मुझे पागल बना रही। हाँ आए शहर में बस 17 मिनट का रास्ता और 2 घंटे बाद मेरे पास पहुँची। 2 घंटे नहीं 17 मिनट का रास्ता, 1 घंटा लेट थी मैं। 1 घंटा नॉर्मल है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं ये गरम तुम्हारे मुंह पे डाल देती, मगर क्या मैं तब तक ही मरूंगी जब तक पेट में नहीं जाएगा। जिस टाइम तुम्हारे पेट में चला जाएगा दिन जब उस टाइम जब शेर मरेगा ना तब बताऊंगी, मौके पे मारूंगी। जब लाएंगे गुब्बारा मेरे लिए, ये गुब्बारा मेरे लिए लाइए। नहीं मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कल रात को 12 बजे के बगैर नहीं आती। कल रात को 12 बजे मैंने मुझे सब ने मुझे मेरे सब दोस्तों ने मुझे मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार एली का मैसेज आ जाएगा, तो सुबह मुझे मैसेज आता है लेकिन दोपहर हूँ, हाँ दोपहर में मुझे मैसेज आता है क्या आई कॉल्ड एंड आई सेड हैप्पी बर्थडे। नहीं आज दिन गुजरने के बाद नहीं सुबह नहीं, मुझे लगा वो यार मुझे लगा कि तुम्हारे बाकी दोस्त आ रहे होंगे तो मैं इसलिए ना तुम्हारे घर पे नहीं आई। इनका बस होती हूँ, इनका बस तुम सुबह नहीं उठती, मैं तुम्हें 9 बजे कैसे कॉल करके भेजती हूँ। आधी रात सो रही थी मैं आपके घर आके आपको बोल दी, सोते में सोच रही थी नहीं प्रायोरिटी बदल गई ना, शूट पुट कर रहे हो ना आजकल। ये बस एक दिन का भी ऑफ हुआ था, संडे को भी मैं उस पर थी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी से फिर शूट, शूट से फिर यूनिवर्सिटी, मैं घर में खाना खा के तो घर जाती हूँ ताकि मैं कन्वेंस नहीं हूँ। कुछ भी आप करें, वैसे नूडल्स डाल दूँ मैं? नहीं मैं आपको सही समझ गई ना, आप चुप रहना, इज्जत अगर आपके हाथ में है वो तो आपने ले ली है। ये डालूँ या ये भी छोड़? नहीं ऐसे लाचार बन के बैठी जैसे गलती सारी जो ना मेरी है, सहर ने जुल्म कर दिया एली पे और एली जो ना मस्कीन बन के बैठ गई है हमेशा की तरह पीछे। गलती में चुप होना चाहिए, नीचे से उठा के डालती ना छोटा तो नीचे से नहीं गया, नीचे का भी डालती। अब उसे नहीं छेड़ो, मेरी मर्जी, छोड़ दो छोड़ दो बिल्कुल। लास्ट टाइम तुमने जैसे मुझे बातें सुनाई थी ना, जब पूछा जाए तब बोलो हर बात बेइज्जती इतनी, लेकिन हमेशा मेरी चलती, आज तुम्हारी बर्थडे सदस्य चलेगी जो तुमने मेरे साथ करते हो ना तुम लोग। माही तो आई नहीं आज, मैम मैडम माही माही बेवफा हो गई है। माही के मुँह पे बोल के दिखा, माही की शादी माही जानू है हमारी, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, क्या करें हिम्मत हो तो माही के सामने कुछ बोलो। अच्छा तुम्हारी बोल रही थी हिम्मत होती सारे मेरे पे जोर चलता, माही के सामने तो तुम ऐसे ही उठा रही होती उन, हाँ जी माही ये वो इतनी तारीफ पे इतना, और मैं फील करते हैं कोई बात नहीं आएगी, कभी की दिन बड़े कभी की रातें बड़ी, तेरी भी आएगी मेरा दिन ना अगले साल तेरी भी आएगी, दूसरा दिन लगने दे। गलती इतनी बड़ी है क्या बोलूँ।
हॉटपॉट की लालच में लेके आती हूँ। हॉटपॉट की लालच लेके बच्चा कल ही शादी में गई हूँ। हाँ, जैसे बच्चा फिसल जाए, ओहो मजे की बात पता नहीं भूल गई। कल मेरी बर्थडे वाले दिन ये आई है हॉटपॉट खाने। नहीं हॉटपॉट खाने आई है, और हॉटपॉट खाते में मुझे मैसेज करके बोल रही है, सहर मैं तुम्हारे लिए हॉटपॉट लेकर आ जाऊँ, मैं तुम्हारी भी आई हूँ यहाँ पे, तुम्हारे लिए मैं हॉटपॉट लेने के लिए आई हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, तो तुम्हारे लिए पैक करके आ जाऊँ। और आज मुझे, मैंने बोला नहीं थैंक यू सो मच, आज मुझे बोल रही है मैं अल्लाह की कसम मैंने इतना सा भी नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए बनाया और बना के ना मैं पैक करवा के तुम्हारे लिए आ गई। फिर रास्ते में तुमने मुझे बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो फिर मैंने कहा यार वो शिट, थोड़ी देर पहले भी सहर तुम मुझे मैसेज करती ना तो मैं वहाँ पर बैठ के खा लेती। मैंने कहा मतलब इतने झूठे लगाऊंगी ना तू, मतलब मुझे बेवकूफ बना दी, इसके सामने खाना पड़ा हो ना और एक बंदा मर रहा हो, ये कहेगी मैं पहले खाना खाऊंगी बचाऊंगी उसको बाद में, ये ऐसी है खाने के मामले। और ये शहर के लिए हॉटपॉट आई है बनाने, तो मुझे खाने वो इंसान है ये मेरे लिए आई है, बहुत दूरी है, घर जाके खाया बचा हुआ हॉटपॉट खा लिया, बच जो बच गया झूठा लेकर शहर के लिए आ रही है टिफिन बांध के। एक दफा माई के साथ भी इसने ऐसे ही कह दिया, मुझे याद है माई को बोल रही माई हम तेरे लिए हॉटपॉट गए थे तेरे लिए लेकर आ रहे हैं। और मैं सोच रही यार ये तो हम बच्चा बन ही आ रहे थे, ये तो तुमने वहाँ पेट भर के खाया था तो बच लेफ्ट ओवर है। हाँ बस 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 दौरा पड़ गया, जलील दोस्त भाई। जो दिन हम तुम्हारे घर आए थे ना हॉटपॉट लेके, जो एली ने कहा था कि हम तुम्हारी वजह से हॉटपॉट गए हैं तुम्हारे लिए लेने के लिए ताकि तुम्हारा मूड अच्छा, झूठ बोला था इसने, वो बचा हुआ था इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा था तुम। पागल हो गए पूछा जाता बोलो मेरे लिए हॉटपॉट कल आई है हॉटपॉट, मैं शहर के लिए ना हॉटपॉट लेने आई हूँ, शहर के लिए मैं लेके जा रही हूँ, मैंने अल्लाह की कसम खाया ही नहीं। तुम लोग ना मेरी कोई बात पे यकीन करते भी नहीं, घर पे बैठ के तंदूर की नूडल्स बना लेते ना, हॉटपॉट शहर के लिए क्यों बनाने आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे करीब थी तो तुम आओ जो बराबर। अच्छा और अच्छा ये बात ऐसे मुझे आज बोली ना कि तुम्हारे लिए हॉटपॉट, और कल मुझे क्या बोली थी शहर में मैं फ्री हो गई थी तो मैं फ्री हो गई ना यहाँ हॉटपॉट आ गई, मैंने उससे पूछा भी क्या अकेली क्यों आई तुझे याद आ गई वो क्या तू तो कल दोपहर में नहीं थी ना तुम्हारे से सेलिब्रेट करती हूँ मैं यही बोल सकती हूँ तक मुझे मैंने से पूछा पहले से मुझे ग्रुप पे पिक्चर भेज रही हॉटपॉट की मुझे मैंने गुस्सा किया अकेले गई हो तुम कह रही हाँ वो मैं करीब आई थी तो मैंने सोचा आ जाओ भूख लग रही थी और अब क्या कह रही तुम्हारी वजह से आई अल्लाह अल्लाह मुझे खा दे तेरी वजह से मैं ये शादी नहीं हो सकती मैं ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शौर भी बोलेगा ना तेरा कितना कितना झूठी औरत से शादी करवा दी मेरी झूठी औरत बेटा उसमें है सॉसेजेस तेरे पास याद है नहीं है इसमें सॉसेजेस बिल्कुल अच्छा हुआ अपना बनाओ घर से ले आओ जो कल लेके गई थी ना हॉटपॉट घर पे रखा होगा तुम्हारा। मैडम को लग रहा है कि मैं इनको बोलूंगी हाथ इनको लग रहा है कि मैं बोलूंगी लाओ एली मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ मुझे दे दो मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी कोई बात नहीं अल्लाह ताला से माफी भी मांगे अपने गुनाहों की अपने झूठों की और दुआ करे कि अल्लाह पता कुछ भी बोलो जी बोरिया बिस्तर उठाओ और गाड़ी में चलो वरना लात मार के तुझे ये चाहिए थे मैंने ये लिए ये चाहिए था ना देख कितनी कीमती खोलना होता है ना ये देखो जरा ये मेरा मेरा हैप्पी बर्थडे जो है नीचे गिरा बहुत थक रहे दो मिनट ही पकड़ो क्यों सामान उठाओ ए बलून उड़ गया बस बलून उड़ गया ये बलून बलून भी कह रहे बस करो टाटा शहर दिल नहीं चाह रहा मेरा जाने एक और रात के कितने बज रहे कितनी ढाई बज के कब से आ रहे दस बजे से दस साढ़े मैं दिन नहीं जा रहा मत जा अम्मी को कॉल करके बोलते आज शहर नहीं आ रही वो सब ऊपर वो लब बना के बैठे हैं क्या सरप्राइज एक तो मैं समझ नहीं आ रहा कितने सरप्राइज कितने केक काटूं मैं थक गई हूं केक काट कर हमारी बच्ची की बर्थडे तू मुझसे बात नहीं कर तुझे ब्लॉक घर जाके ब्लॉक करूंगी तुझे तूने मुझे 12 बजे विश नहीं किया